तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि पूछताछ के लिए क्या तैयारी की जा रही है। हर अपडेट सबसे पहले आपको बता रहे हैं अब तक क्या हुआ इस पूरे मामले में और कैसे आगे और जांच बढ़ रही है, ये भी आपको बता रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पिछले 6 दिनों से लगातार जिस तरीके से पूछताछ का सिलसिला बना हुआ है, उसके बाद किस तरह 12 घंटे पहले पूछताछ की गई, आप देख सकते हैं 16 अगस्त को, उसके बाद 17 अगस्त को 13 घंटे पूछताछ की गई, 18 अगस्त को भी पूछताछ का ये जो सिलसिला बना हुआ था उस दौरान भी आपको बता दें तकरीबन 15 घंटे तक पूछताछ की गई, फिर 19 अगस्त को 13 घंटे तक पूछताछ की गई, लगातार पूछताछ का सिलसिला बना हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि अभी तक जो कुछ भी चाहती है सीबीआई वो अभी तक भी निकलकर सामने नहीं आ पाया है और इसी वजह से आपको बता दें लगातार पूछताछ का सिलसिला बना हुआ। लेकिन आपको बता दें 4 किरदार हैं, लेकिन साजिश के तार आखिरकार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं ये सबसे बड़ा सवाल है। संजय राय जो कि मुख्य आरोपी है, पॉलीग्राफी टेस्ट उसका किया गया है, इसके अलावा अरूप दत्ता जो कि एसआई बताए जा रहे हैं ये भी आरोपी है, आरोपी का करीबी बताया जा रहा है। दूसरे दिन सीबीआई की इससे भी पूछताछ हुई, इससे भी तमाम सवाल जवाब किए गए। इसके अलावा जो तीसरा किरदार है वो संदीप घोष है, पूर्व प्रिंसिपल है और संदीप घोष से लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा विनीत गोयल की अगर बात करें, पुलिस कमिश्नर कोलकाता, सवालों में पुलिस भी है और इसीलिए बंगाल पुलिस के कई जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भी सवालों के घेरे में हैं, उनसे भी पूछताछ की गई। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक जो जांच पड़ताल हुई है उसके मुताबिक ये 4 किरदार हैं, साजिश के तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं इसको लेकर इन सभी से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। तो आपको बता दें ये 4 किरदार हम एक एक कर आपको दिखा रहे हैं। पहला किरदार संजय राय मुख्य आरोपी है, पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया, अरूप दत्ता एएसआई है, आरोपी का करीबी, दूसरे दिन इससे भी सीबीआई ने पूछताछ की। इसके अलावा संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल है उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है, विनीत गोयल से भी लगातार पूछताछ की गई। तो देखिए इसी बीच आपको बता दें पिछले 6 दिनों से आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ चल रही है। ऐसे में वो सीबीआई टीम को जो जवाब दे रहा है वो गोलमोल जवाब दे रहा है, सीबीआई की टीम संतुष्ट नहीं है उन जवाबों से, शक यहां से और बढ़ता जा रहा है। 64 घंटे की पूछताछ अब तक हो चुकी है, ये माना जा रहा है कि बहुत कुछ छिपाने का प्रयास कर रहा है संदीप घोष। लेकिन वहीं पर आपको बता दें देखिए कहां कहां चोट लगे उस पीड़िता डॉक्टर को जिसका रेप होता है, मर्डर होती है, उसका गले की गर्दन काट दी जाती है, आपको बता दें गर्दन की हड्डी, उसके बाद सिर पर चोट के निशान, प्राइवेट पार्ट्स पर काफी जख्म के निशान, होठ पर जख्म के निशान मिले, नाखून उखाड़ दिए जाते हैं, कंधे पर वार किया जाता है, हाथ पर वार किया जाता है, गले को दबाया जाता है, स्ट्रैंगुलेशन को लेकर आपको बता दें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर जिक्र किया गया था। प्राइवेट पार्ट्स पर आपको बता दें 151 mg का एक लिक्विड फ्लूइड मिला था और साथ ही पेल्विक बोन जिसे हिंदी में कूल्हे की हड्डी कहा जाता है उसको भी तोड़ दिया था, क्योंकि दोनों जो पैर हैं वो राइट एंगल में बाए गए थे और आप समझ लीजिए कितनी निर्मम तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। कयास ये लग रहा है कि पहले मर्डर होता है उसके बाद रेप किया जाता है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स का ये भी कहना है जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है कि रेप नहीं गैंग रेप किया जाता है और उसके बाद उस लड़की को, लेडी डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आपको बता दें ये माना जा रहा है कि जब उसने चीख निकालने की कोशिश की होगी, जब मदद की गुहार की होगी, तब उसका जो सिर है, जो उसका चेहरा है, वो दीवार से सटाकर उसका गला दबाया गया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया कि उस डॉक्टर को कहां कहां जख्म लगे थे, कहां कहां चोट आई थी। लेकिन यहां देखिए सवाल ममता सरकार पर उठ रहे हैं, सवाल कोलकाता पुलिस पर उठ रहे हैं, सवाल कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को लेकर उठ रहे हैं और साथ ही आपको बता दें सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों हुई, सवाल ये भी खड़ा होता है कि परिवार को मिलने क्यों नहीं दिया गया। और जतिन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, पूरी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है लेकिन अभी भी कई सवाल बने हुए हैं कि आखिर और आरोपी कहां है और क्यों लापरवाही इस पूरे मामले में बरती जा रही है, क्या सच में वाकई में ममता सरकार कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है जो उनके करीबी हैं?
जी बिल्कुल, देखिए पॉलीग्राफी टेस्ट जब किया जाएगा तो इन सभी सवालों के जवाब भी मिलेंगे कि क्या सिर्फ ये अकेला संजय राय का किया हुआ एक तरीके से काम है या इसके अलावा कुछ और लोग भी इसके साथ जुड़े हुए थे। और सबसे बड़ा सवाल कि ममता सरकार किसको शह दे रही है, वो बातें जो है वो पूर्व प्रिंसिपल की इन्वेस्टिगेशन के बाद बहुत कुछ चीजें सीबीआई के हाथ में है और यही कारण है कि आज छठे दिन भी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि एसआईटी का गठन इसी ममता सरकार ने किया, उसी अस्पताल में करप्शन को लेकर किया और जो एसआईटी जांच कर रही है वो 2021 में जब पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष उस अस्पताल के प्रिंसिपल बने उसके बाद से तमाम जो फाइनेंशियल जिसको हम अनियमितताएं बोलते हैं उसको लेकर जो जांच है वो अब वो एसआईटी करती हुई नजर आ रही है। कोलकाता पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली तो ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि करप्शन हुआ और उसी को लेकर 120 के मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया और पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया गया। बिल्कुल जितिन, आपके पास हम लौटेंगे, फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं लेकिन ब्रेक के उस पार हाजिर आपके सामने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सबसे बड़ी खबर कोलकाता के आरजीकर अस्पताल से जुड़ी हुई बताएंगे, जहां पर पूर्व प्रिंसिपल प्रोफेसर संदीप घोष से सीबीआई आज छठे दिन भी पूछताछ करेगी। अब तक 5 दिनों की पूछताछ में कई बड़े सवाल जवाब हुए हैं। 64 घंटे तक पूछताछ हुई है। कल यानी कि बीते दिन 11 घंटे तक संदीप घोष से पूछताछ हुई थी और आज छठे दिन भी आपको बता दें पूछताछ जारी है। कोलकाता सीबीआई दफ्तर में संदीप घोष से पूछताछ चल रही है। कई राज खुल सकते हैं। आपको बता दें माना जा रहा है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष घटना वाली रात अस्पताल में ही मौजूद थे। सवाल ये, सर्वोच्च अदालत ने भी कहा, कोलकाता हाईकोर्ट ने भी कहा कि आखिर इस पूरे मामले पर प्रिंसिपल ने तुरंत ही इस्तीफा क्यों दिया, इस पूरे मामले पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। ये माना जा रहा है कि इस प्रिंसिपल के भीतर कई राज छिपे हैं जिनसे पर्दा हटना बाकी है। प्रिंसिपल को बहुत कुछ पता है जो धीरे धीरे करके सामने आ सकता है। आपको बता दें पिछले 6 दिनों से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। अब तक संदीप घोष से 64 घंटे सवाल जवाब हो चुके हैं। संदीप घोष वारदात से जुड़े सवालों के सही जवाब नहीं दे रहा है। जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है सीबीआई का शक संदीप घोष की तरफ बढ़ता जा रहा है। आपको 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 16 अगस्त को पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ शुरू हुई थी, उसके बाद आप देखिए 13 घंटे पूछताछ हुई, उसके बाद 18 अगस्त को आप देखिए इस दिन भी काफी घंटों तक पूछताछ हुई, 19 अगस्त, 20 अगस्त और 21 अगस्त यानी कि कल तक। आपको बता दें कल तक 5 दिन पूरे हो गए, 64 घंटे की पूछताछ का सिलसिला पूरा हुआ। आज छठे दिन भी पूछताछ लगातार जारी है गायत्री। तो लगातार पूछताछ का सिलसिला बना हुआ है। पूर्व प्रिंसिपल की क्या गिरफ्तारी होगी ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इस सबके बीच किस तरीके से जांच लगातार आगे बढ़ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया, हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड की मैपिंग की गई और हर छोटी से छोटी चीज की तलाशी लगातार की जा रही है ताकि सच सामने आ सके। 3D लेजर मशीन से कोना कोना कैप्चर किया गया, संदीप के कॉल डिटेल की जांच की गई, संदीप के चैट की जांच हुई है, आरोपी संजय से लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो ये अब तक जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आया, किस एंगल में जांच आगे बढ़ रही है वो हमने आपको बताया। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता कोलकाता से जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, इंसाफ की मांग सड़क से शुरू हुई, सर्वोच्च अदालत तक पहुंची। आज पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ होनी है, छठा दिन है, अब तक 64 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। लेकिन जानना ये चाहेंगे क्या संदीप घोष के जवाबों से सीबीआई की टीम संतुष्ट नहीं है, गोलमोल तरीके से जवाब दिए जा रहे हैं। आज बिल्कुल देखिए संतुष्ट नहीं है और यही कारण है कि आज छठे दिन भी उनसे पूछताछ का जो दौर है वो शुरू किया जा चुका है। सुबह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास संदीप घोष जो है वो सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं और यहां पर अब उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि संदीप घोष को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सवाल खड़े किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आखिरकार क्यों प्रिंसिपल और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई नहीं की, समय रहते हुए कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और यही सभी सवाल थे जो सीबीआई को भी परेशान कर रहे हैं। और आप इसी से अंदाजा लगाइए कि पिछले 5 दिनों में 64 घंटे तक पूछताछ होना कहीं ना कहीं संदीप घोष की एक तरीके से जो उनकी भूमिका है उसको कहीं ना कहीं संदेहास्पद करती हुई नजर आ रही है। आपको यह भी बता दें कि संदीप घोष को लेकर सीबीआई सोर्सेज से कई जानकारी भी मिली, कॉल डिटेल्स को डिलीट करने की बात इसमें सामने आ रही है। उन्होंने आधा घंटा लेट अस्पताल ने पुलिस को क्यों कॉल किया, जबकि 7 बजे के आसपास घटना वाले दिन संदीप घोष को बतौर प्रिंसिपल जानकारी मिल गई थी कि सेमिनार हॉल में एक लड़की की बॉडी जो है वो पड़ी हुई है। 7:30 बजे पहली जो कॉल है वो पुलिस को की गई थी। तो आखिरकार आधे घंटे किन लोगों से बातचीत की गई, क्यों आधा
घंटा डिले किया गया। साथ ही सबसे बड़ा सवाल कि सेमिनार हॉल के अंदर मल्टीपल फुटप्रिंट्स मिले हैं और यही कारण है कि 3D लेजर मैपिंग के जरिए सबूतों को जुटाने की कवायद है वो CBI ने शुरू की, तो क्यों सेमिनार हॉल को इंटैक्ट नहीं किया गया, सेमिनार हॉल के अंदर क्यों इतनी भीड़ घुस गई, कि क्या सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई, ये कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब अभी तक क्लियरिटी CBI को नहीं मिल पाई है और यही कारण है कि आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास संदीप घोष यहां पर पहुंच जाते हैं और उनसे पूछताछ का दौर शुरू किया गया है। आपको ये भी बता दें कि संदीप घोष को लेकर CBI तो पूछताछ कर रही है लेकिन कोलकाता पुलिस ने भी भ्रष्टाचार को लेकर FIR दर्ज की है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कोलकाता पुलिस भी मानती है कि RJKR मेडिकल अस्पताल में भ्रष्टाचार जो है वो हुआ है और उसी को देखते हुए FIR दर्ज की गई। आज 11 बजे उनको लालबाग पुलिस स्टेशन में समन किया गया था, पेश होना था, लेकिन अब वो CBI की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर चुके हैं, तो कब वो कोलकाता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, CBI वर्सेस कोलकाता पुलिस भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है संदीप घोष को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रिंसिपल की भूमिका, उसको लेकर CBI के पास अभी कोई क्लियरिटी नहीं है और यही कारण है कि छठे दिन भी संदीप घोष से जो पूछताछ है वो यहां पर की जा रही है, हर सवालों को खंगाला जा रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में CBI को जवाब